चोरी करो और चोरी करके इत्तेकाफ़ में बैठ जाओ, किसी को क्या पता कि तुम कौन हो। क्योंकि इत्तेकाफ़ में बैठे हुए लोगों से कोई ये थोड़ी पूछता है कि भाई क्या करके आ रहे हो। ये वाकया पंजाब के ज़िला लिया के शहर चौक आज़म में पेश आया, जहां पुलिस ने दो मुसलमान को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक दर्जी की दुकान से 12 सूट चोरी किए थे। उनमें से एक मुस्लिम जिसका नाम बिलाल था, चोरी के बाद मकामी मस्जिद में इत्तेकाफ़ में बैठ गया था, मगर वो पंजाब पुलिस से ना बच सका। पुलिस ने दर्जी के कंप्लेन के बाद बिलावल को मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया और सारा सामान भी बरामद कर लिया और दूसरे साथी की तलाश भी जारी है। दोस्तों, आज कैसा दौर आ गया है, एक चोर चोरी करने के बाद अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए एक मस्जिद का सहारा लेता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस से नहीं बच पाता है। लोग अपने गुनाहों की माफी के लिए जाते हैं मस्जिद, मगर ये एक ऐसा चोर था जो आवाम की नज़र से और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए इत्तेकाफ़ में बैठ गया था। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। दोस्तों, इस चोर की अकलमंदी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएँ।